आपने क्या खूब कहा है। अगर तुम में कुछ करने की इच्छा हो तो, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है दोस्तों आपका नया यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों का 28 अप्रैल दिन गुरुवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़े बड़े खुशखबरें मिलने वाली है। दोस्तों आज हम इस वीडियो को बताएंगे कन्या राशि वालों का परिवार जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसे चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आय का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज गुरुवार है, साईं बाबा का दिन है। दोस्तों कमेंट में ओम साईं राम जरूर लिखना। दोस्तों जो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करेगा साईं बाबा आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। अगर दोस्तों आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों आय के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि समय को बर्बाद मत करो, समय एक ऐसी अनमोल चीज है जिसका यदि सही से उपयोग ना किया जाए तो आपका भविष्य उज्जवल नहीं हो पाएगा। समय को अपने ऊपर खर्च कीजिए, अर्थात स्वयं से प्रश्न पूछते रहिए, क्योंकि प्रश्न एक ऐसी चीज है जिससे आपको स्वयं में स्पष्टता प्राप्त होती है, जिससे आप अपने विचारों और मनोभावों को समझ पाते हैं और सही वक्त पे सही निर्णय ले पाते हैं। अपने इस समय को अपने पसंदीदा काम को करने में लगाएं, जिससे आप उस कार्य में उच्चतम श्रेष्ठता को प्राप्त कर पाएं और आपके जो लक्ष्य है उसे समय पर और बेहतर प्राप्त कर पाएं। जिस प्रकार जीवन के लिए वायु जरूरी है, ठीक उसी प्रकार अच्छे भविष्य के लिए समय का उचित उपयोग भी जरूरी है। तो दोस्तों आय का चाणक्य नीति ज्ञान आपको पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों हमेशा की तरह एक लाइक जरूर करना। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों आगे पंचांग के बारे में। आय का पंचांग है 28 अप्रैल 2022 दिन गुरुवार, आय की तिथि है त्रयोदश तिथि, आय का नक्षत्र उत्तराबाध नक्षत्र, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, ऋतु चल रहा है ग्रीष्म ऋतु। आज सूर्योदय होगा सुबह 5:50 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:54 पर। दोस्तों आय का शुभ समय है दोपहर 11:53 से 12:45 तक रहेगा और आय का अशुभ समय है 9:22 से 10:15 तक रहेगा। दोस्तों आय कन्या राशि वालों का लक्की नंबर है 4। अब बात करते हैं दोस्तों आय कन्या राशि वाले के बारे में कैसा रहेगा आपका आय का दिन, आई जानते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंध के मामले में समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पंचम भाव के स्वामी बुध तृतीय भाव में उपस्थित होंगे, इसकी वजह से लव मैट के बीच परागण बढ़ेगा, पहले से चल रहे मनोटाप दूर होंगे, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। इस वक्त आप लव मैट के साथ यादगार वक्त गुजारेंगे। जो जातक साथी की तलाश में है उनकी मनोकामना पूरी होगी। अपने साथी के सामने प्रेम निवेदन करने का सही समय है। आपकी सच्चाई से प्रभावित होकर प्रस्ताव तुरंत मंजूर कर लिया जाएगा। दिन के उत्तरार्ध में बृहस्पति ग्रह के पंचम भाव पर भी पूर्ण दृष्टि होने से आप लव मैट के साथ एक बड़ा फैसला कर सकते हैं। दोस्तों आज आप दृढ़ संकल्प लेकर प्रेम को व्यायाम बदलने की तैयारी कर रहे हैं। आपके फैसले से परिवार की सहमति मिलेगी। विवाहित जातकों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सप्तम भाव पर मंगल और शुक्र की पूर्ण दृष्टि होने से दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। पति जीवन साथी का रिश्ता मजबूत होगा, दोनों के बीच आपसी सामंजस्य बढ़ेगा और पहले से चल रहे विवाद दूर होंगे। जीवन साथी के मन में आपके प्रति पड़ रही गलत फहमी इस वक्त दूर हो सकती है। किसी खूबसूरत जगह पर जीवन साथी के साथ प्यार भरे दिन बिताने का मौका मिलेगा। जीवन साथी के साथ मिलकर आप परिवार को बड़ा करने का फैसला भी कर सकते हैं। दिन के उत्तरार्ध में कन्या राशि के जातकों की लव लाइफ और वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छे रहने वाला है। दोस्तों आज वरिष्ठ तथा अनुभवी लोगों का सहयोग मिलेगा। कड़ी मेहनत और परिश्रम से वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने तमन्ना की है। अगर घर परिवर्तन करने की इच्छा है तो उससे संबंधित योजना बनाने का अनुकूल समय है। फाइनेंस संबंधी गतिविधियों को बहुत ही सावधानी से करने की जरूरत है। आर्थिक कसम कस रह सकती है। सब कुछ ठीक होते हुए भी कहीं ना कहीं किसी रिक्तता का एहसास रहेगा। अगर मनन है तो ये सिर्फ आपका भ्रम हो सकता है। दोस्तों पैसों के लेन देन में आज से दूर रहे, आज निवेश से भी दूर रहे। आर्थिक मामलों में आज अत्यधिक सावधानी बरतें, क्योंकि आज आर्थिक दृष्टिकोण आपका दिन शुभ थोड़ा बहुत नहीं है। आज हर एक काम एकाग्र होकर करिए, वरना परेशानी बढ़ सकती है। गलतफहमी और दुर्घटना से भी आपको बचना चाहिए। आज आपका दिन राहत देने वाला रहेगा। कई सालों से चल रहे जमीन की डिस्प्यूट में जीत मिलेगी। इस राशि के लव मेट के लिए आज का दिन शुभ है। परिवार में शादी पर सहमति बन जाएगी। लोहे के व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा है। डिमांड ज्यादा होने से आमदनी बढ़ेगी। ऑफिस में सहकर्मियों की मदद से आज परेशानी कम होगी। आर्थिक पक्ष पहले से काफी बढ़िया रहेगा। गाय को हरी घास खिलाए, पढ़ाई में मन ज्यादा लगेगा। अन्य राशि वाले आय का दिन आपके लिए शांतिपूर्ण रहेगा। जरूरतमंद लोगों की मदद में सफल होंगे। किसी पुराने अंतरंग मित्रों से लंबे समय बाद मिल पाएंगे। आपके जीवन साथी जैसे हैं वैसे ही उन्हें स्वीकार करने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। आज आपको आपका रुका हुआ पैसा मिलने की वापस संभावना है और प्रॉपर्टी में निवेश की योजना बन सकती है। व्यापारी अपने बिजनेस से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। करियर के मामले में आप क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां लेंगे। नौकरी पैसा व्यक्तियों के लिए सलाह है कि अपने महत्वपूर्ण डाटा किसी से शेयर ना करें।
कड़ी मेहनत से थकान और कमजोरी महसूस होगी, आराम की भी जरूरत है। आज आप किसी व्यापारिक समारोह में भाग ले सकते हैं। कन्या राशि वाले आज कीमती वस्तु संभाल कर रखें, पार्टी और पिकनिक का कार्यक्रम बन सकता है, कोई मांगलिक कार्य में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा, स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद प्राप्त होगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, परिवार में प्रसन्नता रहेगी, जल्दबाजी से हानि संभव है, शरीर कष्ट से आपको बचना चाहिए, उचित आहार और आराम भी लेना जरूरी है, थकान और बदन दर्द ऐसी स्थिति बनी हुई है, युवाओं का काम के लिए संयम कम होता हुआ नजर आएगा, इस कारण गलत मार्ग से पैसा कमाने का लालच बढ़ सकता है। जीवन साथी तथा बच्चों के साथ मनोरंजन आदि जैसे प्रोग्राम बनाएं, काम काज की परेशानी को पारिवारिक जीवन पर हावी न होने दें। अनेक लोग आपके लिए आकर्षित होते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसकी वजह से अपने रिलेशनशिप पर असर न हो, इस बात का पूरा पूरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, आज लोगों से प्राप्त हो रही राय की वजह से आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं, साथ में ठीक से निर्णय न करने की वजह से आपका नुकसान भी हो सकता है। जो लोग आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं, ऐसे ही लोगों के साथ अपनी समस्याओं की चर्चा करें। दोस्तों, आज स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ही अच्छा दिन है, आपकी खुश मिजाजी ही आपकी आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगी, पैसे की अहमियत को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए आज के दिन आपके द्वारा बचाए गए धन आपके काम बहुत ही आ सकता है और आप किसी बड़ी मुश्किल से निकल भी सकते हैं। अपनी दिन की योजना सावधानी से तय करें, ऐसे लोगों से बात करें जो आपकी मदद कर सकते हैं, आप इस दिन को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर आप प्यार में डूबने के मौके को आज यूं ना गवाएं तो रचनात्मक काम में लगे लोगों के लिए सफलता से भरा दिन है, उन्हें वो शोहरत और पहचान मिलेगी जिसकी उन्हें एक अरसे से तलाश थी। बिना किसी पूर्व सूचना के आज आपका कोई रिश्तेदार आपके घर पधार सकता है, जिसकी वजह से आपका कीमती समय उनकी खातेदारी में जाया भी हो सकता है। आपका अपने जीवन साथी के साथ तनावपूर्ण संबंध रह सकता है, जहाँ तक संभव हो बात को बढ़ने ना दें। कन्या राशि वाले, अपने आप को आत्मविश्वास बनाए रखना पड़ेगा, तभी आप कोई कार्य में अच्छा कर पाएंगे। आज किसी से पैसे के लेन देन बिल्कुल भी ना करें और किसी को उधार बिल्कुल भी ना दें। निर्णय शक्ति के अभाव में मन में दुविधा बढ़ सकती है, जिससे चिंता में वृद्धि होगी। घर के किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ने के कारण आप काफी तनाव में रह सकते हैं, व्यर्थ की भागदौड़, पारिवारिक अशांति विशेष रूप से रहेगी, रिश्तेदारों से तनाव और मतभेद भी दूर होंगे। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि वालों का राशिफल। दोस्तों, आज गुरुवार है, साईं बाबा का दिन है। दोस्तों, घर में रहकर अगर आप सच्चे मन से साईं बाबा की पूजा आराधना करते हैं तो साईं बाबा आपकी जरूर सुनेंगे और आपके सभी कष्ट दूर करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और रोज कन्या राशिफल देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, यह का राशिफल अपने दोस्तों में शेयर करना। आपका दिन शुभ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।